एक गाना है, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, लेकिन आपका क्या होगा जनाबे आली। इस गाने को अगर आज अखिलेश यादव के लिए गुनगुनाया जाए तो ये उन पर एकदम ठीक बैठेगा, क्योंकि एक एक कर अखिलेश यादव के सारे सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। तेज तर्रार स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर पश्चिमी यूपी के नेता जयंत चौधरी और पिछड़े वर्ग के नेता पल्लवी पटेल से लेकर बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार के सांसद रहे सलीम शेरवानी तक सभी अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि पीडीए का नारा देने वाले अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स आखिर कहां उलझ गई है, आखिर क्यों वो अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़कर रखने में फेल हो गए। जिन साथियों के सारे अखिलेश यादव बीजेपी को पटकनी देने का दम भरते थे, पीडीए का नारा देते थे, आज वो अकेले खड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या अखिलेश यादव के सहयोगियों को ही उनके पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है? कुछ दिन पहले आरएलडी के जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया, जिनको लेकर अखिलेश यादव हमेशा कहते थे कि जयंत चौधरी काफी समझदार हैं और वो किसानों के मुद्दों को समझते हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के लिए उनकी एक शर्त उनके सहयोगी दलों में डर पैदा कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बना। शुरुआती कई बैठकों में इंडिया गठबंधन के दल के नेता शामिल हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे इंडिया गठबंधन छिटकने लगा। हर कोई अपने स्टेट में अपना जनाधार बताकर नेतृत्व की बात करने लगा। वहीं अखिलेश यादव यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार सीट बंटवारे पर कहते रहे हैं कि किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अखिलेश यादव और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात भी बन गई थी, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। अखिलेश यादव वेस्ट यूपी की 7 सीट जयंत चौधरी को देने को तैयार हो गए थे, लेकिन सपा अध्यक्ष की एक शर्त ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के सामने शर्त रखी कि वेस्ट यूपी के 7 सीट तो वो दे देंगे, लेकिन 3 सीट पर कैंडिडेट आरएलडी के होंगे, पर सिंबल साइकिल का यानी समाजवादी पार्टी का होगा। यहीं से दोनों के बीच दरार बढ़ती चली गई। हालांकि कई मौकों पर अखिलेश यादव जयंत चौधरी को बहुत सुलझा हुआ नेता बताते रहे। उनकी पत्नी डिंपल यादव भी जयंत को काफी अच्छा नेता बताती रही हैं। बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को इसी बीच में भारत रत्न दे दिया, बड़ा दाव चल दिया, और उसके बाद जयंत चौधरी की राहें भी समाजवादी पार्टी से अलग हो गई। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल सपा से नाराज चल रही हैं और उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ ली है। खबरें हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। अपना दल कमेरावादी ने साफ कर दिया कि वो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। पल्लवी पटेल की नाराजगी समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए तय किए गए कैंडिडेट्स को लेकर है। जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने से अपना दल कमेरावादी गुट की नाराजगी देखने को मिल रही है। पल्लवी पटेल ने कहा कि ये अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के खिलाफ है, क्योंकि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करने वाले अखिलेश ने इन वर्गों से किसी को भी राज्यसभा नहीं भेजा। ऐसे में अपना दल कमेरावादी राज्यसभा चुनाव में सपा के पक्ष में वोट नहीं डालेगी। कुल मिलाकर अखिलेश के अपनों को ही उनके पीडीए के फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने जून 2023 में समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मुहिम की शुरुआत की थी। उनका दावा है कि ये तीनों वर्ग के लोग मिलकर यूपी में भाजपा का रथ रोक सकते हैं। इसके जरिए अखिलेश गैर यादव ओबीसी और बीएसपी के जो कोर वोटर्स है यानी दलित वोट बैंक को साधना चाहते हैं और साथ ही अपनी पार्टी के परंपरागत मुस्लिम वोटर्स को भी छिटकने से बचाने की कोशिश के तौर पर उनके इस अभियान को देखा गया। लेकिन बीजेपी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही अखिलेश यादव के अपने ही साथी उनके पीडीए से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। पीडीए पर सबसे पहला हमला स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। मौर्य पार्टी के दलित और आदिवासी मोर्चे को संभाल रहे थे। उन्होंने इसके लिए तमाम ऐसे बयान दिए जिससे यूपी ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भी विवाद खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी भी इन बयानों से काफी असहज महसूस करती हुई दिखाई दी और इसे मौर्य के बयान को निजी कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दी। स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के इसी व्यवहार से नाराज हो गए। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन अखिलेश यादव का दिया हुआ महासचिव का पद वो छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब अन्य महासचिवों के बयान उनके निजी बयान नहीं होते तो उनके बयान के साथ पार्टी भेदभाव क्यों कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके इन्हीं कथित विवादित बयानों की वजह से ही दलित और आदिवासियों में सपा को लेकर विश्वास बढ़ा है। मौर्य के बागी तेवर ने सीधे तौर पर पीडीए में डी यानी कि दलित वोटर्स को लेकर अखिलेश की वैचारिक प्रतिबद्धता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश पहले भी अपने पुराने दलित विरोधी कामों को लेकर बदनाम रहे हैं, ऐसे में अब उनसे वोट जो हैं कैसे इकट्ठे होंगे। अब खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं।
मौर्य ने पिछले दिनों हमसे खास बातचीत में ये तक कह दिया था कि वो वंचित वर्गों की बात उठाते रहेंगे, चाहे भले ही उन पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते जाएं। तो आपको डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? आपकी कोई फाइल नहीं खुली हुई क्या? मैं बात इसकी नहीं है, और खोलने वाला अगर खोलेगा तो उसको रोकेगा कौन? लेकिन मैं सच कहने से कभी डरता नहीं, और छापे से सच कहता रहा हूं। छापा पड़ गया, सच कहता रहूंगा। और छापा अगर डलवा देंगे तो भी सच में कहता रहूंगा। हाँ, सच कहने से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन अफसोस ये है कि अखिलेश यादव अपने इतने मजबूत सहयोगी को भी संभाल नहीं पाए, और अब एक एक कर उनके पीडीए से सभी वर्गों के नेता बाहर होते जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद सलीम शेरवानी ने भी सपा के महासचिव का पद छोड़ दिया है। हालांकि पार्टी उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ी है, लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आने वाले दिनों में फैसला करने की बात कहकर उन्होंने इस संभावनाओं को भी जिंदा रखा है। शेरवानी ने मौर्य की तरह अखिलेश को चिट्ठी लिखकर ही पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने मुस्लिम वोटर्स को लेकर अखिलेश की नजरअंदाजी पर सवाल खड़े किए। हाल ही में सपा की ओर से घोषित किए गए राज्यसभा के उम्मीदवारों पर उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने अखिलेश की मंशा पर यह कहकर सवाल उठाया कि उनका नाम न सही, लेकिन मुस्लिमों में भरोसा जगाने और बढ़ाने के लिए अखिलेश को कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार को तो राज्यसभा भेजना चाहिए था। उन्होंने ये तक कह दिया कि इस रवैये से अखिलेश की सपा और भाजपा में क्या अंतर रह जाता है। दरअसल यूपी में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसमें 3 सीटों पर सपा की जीत तय मानी जा रही है। इन 3 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने जया बच्चन, अलोक रंजन और रामजी सुमन को उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर ही पार्टी और गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सलीम शेरवानी खुद राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वहीं पल्लवी पटेल अपनी मां कृष्णा पटेल के लिए टिकट चाहती थी। अखिलेश पर इसे लेकर भी पार्टी के भीतर ही हमले किए जा रहे हैं कि उन्होंने राज्यसभा उम्मीदवार तय करने में अपने पीडीएफ फॉर्मूले का ख्याल नहीं रखा। अखिलेश यादव किसी राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। ना ही वो अपने पुराने सहयोगियों को साथ रख पाने में कामयाब हुए, और ना ही नए साथियों को जोड़ने में सफल होते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के सवाल पर कह दिया कि जब सीटों का बंटवारा हो जाएगा तो वो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस से बाहर उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट और अलग लिस्ट बना चुके हैं, वो उसे जारी कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि कांग्रेस के साथ भी सीटों को लेकर अखिलेश यादव की दाल नहीं गल रही। अखिलेश यादव यूपी में खुद को सबसे बड़ी पार्टी मान रहे हैं, और यही वजह है कि वो अन्य पार्टियों को उचित सम्मान और सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। बसपा अध्यक्ष मायावती के साथ भी कोई बात नहीं बन पाई, और बहन जी कई बार ये साफ कर चुकी हैं कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने वाली हैं। यहाँ मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। बहन जी के अकेले चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि अखिलेश यादव की राहें भी मुश्किल होने वाली हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि सियासी गणित को साधने के लिए अखिलेश यादव बहन जी को मनाने के लिए कोई खास कोशिश करने वाले हैं। नतीजतन उनके लिए 2024 लोकसभा चुनाव एक मुश्किल इम्तिहान साबित होने वाला है। एक तरफ बीजेपी दिल्ली में देश भर से अपने 12,000 से ज्यादा नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है, और दूसरी ओर विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है।
इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की भूमिका पर मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो गया है कि ये क्या जीत पाएंगे, क्या ये लोग साथ हैं, और अगर यूपी में अखिलेश यादव को यूं ही उनके सहयोगी छोड़कर जाते रहे तो फिर यूपी से होते हुए दिल्ली का रास्ता कोई ना कोई तय कर ही लेगा। पीडीए का नारा अच्छा है, लेकिन इसे सच्चा साबित करने के लिए उस पर अमल भी करना होगा ताकि जनता के दिल में विश्वास पैदा हो सके। जिसके दिल में विश्वास नहीं है वो आपको भला वोट क्यों देगा। अखिलेश यादव को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, इस बारे में उनको चिंतन करना चाहिए और अपनी राजनीति में कुछ बदलाव करने चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को उनके पुराने सहयोगियों ने छोड़ रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।